अगर आप अपनी जिंदगी में एक सही इंसान हो, सभी का भला चाहते हो, किसी की बुराई नहीं करते हो, तो आपको किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सलमान खान का अब एक नया मामला सामने आया है, सांप काटने वाले मामले के बाद। ये मामला सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस से जुड़ा हुआ है। सलमान खान के जो पड़ोसी हैं, उनका भी फार्म हाउस है सलमान खान के ठीक पड़ोस में। तो सलमान खान ने थोड़ी सी दादागिरी दिखाते हुए इस पड़ोसी के ऊपर केस वगैरह कर दिया है। केस क्यों किया है? क्योंकि उस पड़ोसी ने कुछ तकलीफें थी उसी, जो उसने किसी यूट्यूबर को अपना इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में सलमान खान को लेकर कुछ बातें की थी, कुछ खुलासा किया था। हालांकि ये क्या खुलासा किया है अभी तक वो वीडियो मुझे नहीं मिला है। मिल जाएगा तो दूसरी वीडियो में भी उसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सलमान खान को केस करना पड़ा। हालांकि सलमान खान की याचिका जो है वो कोर्ट ने ठुकरा दी है। सलमान खान ने उस YouTube चैनल को लेकर, Facebook को, Google को और उस आदमी के ऊपर जो पड़ोसी है उनका, इन सभी के ऊपर केस किया है कि उस पर्टिकुलर कंटेंट को इन सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए, क्योंकि उसमें उनकी अपमानजनक बातें कही गई है, इनके मानहानि को ठेस पहुंची है। लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया कि ये बात अभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो पड़ोसी है उनका, उनके वकीलों का ये कहना है कि ये मामला जो अभी हमारे पास आया है, अभी हम इसे रीड करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद रिप्लाई करेंगे। लेकिन सलमान खान को लगा था कि जैसे बाकी मामले हैं, उन सभी मामलों में सलमान खान तुरंत ही कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट की तरफ से उन्हें सब कुछ मिल जाता है। जैसे सलमान भाई का वो गेम आया होता, सलमान तुरंत कोर्ट गए और उसी दिन वो गेम हटा दिया गया, इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। लेकिन कोर्ट ने यहां पर सलमान खान को उनकी असली जगह बता दी कि भाई थोड़ी बहुत हम भी कानून जानते हैं, हर बार आपकी जीत नहीं होगी। ये केस जो है, ये मेरे ख्याल से जो क्रिसमस के मौके पर है, वही इससे रिलेटेड कुछ होगा। अब ये क्या बात है वो जानना बहुत जरूरी है। कहीं ये मामला उस सांप को लेकर तो नहीं है? ये बोल तो रहे थे कि सांप को छोड़ दिया है, कहीं सांप के साथ कोई घटना तो नहीं हो गई? अब सलमान खान की इसमें क्या मानहानि हुई है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो अगली वीडियो में कोशिश करेंगे उस बात को जानने की। उस वीडियो को पहले देखा जाएगा, सर्च किया जाएगा, फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन सलमान खान की सारी हेकड़ी इस बार कोर्ट ने निकाल दी है।